गुड इवनिंग प्रेस द लॉर्ड सबको जय मसीह। आज हम पहली बार आप लोगों के बीच में एक वीडियो के माध्यम से आए हैं एक विशेष विषय के लेकर के, जहाँ तक कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि आज 3 महीने से अधिक हो गए कि हम लॉकडाउन मना रहे हैं। आज इस लॉकडाउन किस वजह से हम लोगों के बीच में आया, किस कारण से आया, हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक महामारी के वजह से हम लोगों के बीच में पूरी वर्ल्ड में पूरी पृथ्वी में एक लॉकडाउन आया। और ये लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याओं बहुत सारे संकट में हम लोग समय बिताई है और अभी तक भी हम लॉकडाउन को मनाते आ रहे हैं। तो इस लॉकडाउन के विषय से लेकर के हम एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के बीच में लाई है। ये वीडियो का आप लोग अंत तक जरूर देखें। हमारे विश्वास है इस वीडियो के द्वारा आप लोग उत्साहित होंगे, मन में एक आनंद भरेगा, एक खुशी भरेगा। हमारे वही विश्वास के साथ इस वीडियो को हम आप लोगों के बीच में लाते हैं। विशेष यह है कि 3 महीना का जो लॉकडाउन था, आज इस लॉकडाउन में होने के तो बहुत कुछ था, लेकिन प्रभु ने हमको संभाला। क्योंकि विलाप गीत का पुस्तक 3:22 कहता है कि हम मिटने वाले थे लेकिन किसी ने हमें संभाला, हम किसी करुणा ने हमें संभाला। इसका मतलब है कि एक करुणा है मनुष्य को प्राण लेना चाहता है और एक महाकरुणा है जो हमें उस प्राण को बचा के रखता है या उस प्राण को संभाल के रखता है। तो प्रभु का करुणा ने हम सबको संभाल के रखा और आज तक भी हमको संभाल के रखा है और उसकी कारण हम आज जीवित है। क्योंकि दाऊद कहता है कि हम माँ के गर्भ से निकला उसी के हाथों के द्वारा और उसी ने हमें संभाल के रखा है। तो इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि एक महाकरुणा है कि पूरी पृथ्वी के मनुष्य जाति को संभाल के रखा है और वो करुणा महान प्रभु परमेश्वर की द्वारा ही हम लोगों को बीच में आते हैं। और इस करुणा को हमें प्राप्त करने के लिए, एक करुणा से हमें प्राप्ति होने के लिए, एक करुणा ने हम चलने के लिए, एक करुणा ने हम अपने जीवन को रखने के लिए प्रभु का एक आज्ञा है और उस आज्ञा को अगर हम मान के चलते हैं, वो आज्ञा को हम अगर आज्ञा पर अगर गमन करते हैं तो हमारे इस संसार के कोई भी महामारी, कोई भी संकट, कोई भी समस्या, कोई भी दुर्घटनाएं हमें किसी तरह का नुकसान, किसी तरह का संकट, किसी तरह का परेशानी में हमें डाल नहीं सकता। और इस आज्ञा ये है कि निर्गमन के पुस्तक 15:24 कहता है कि यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे, यदि मेरे विधियों को मानोगे तो संसार की कोई भी महामारी, कोई भी संकट, कोई भी समस्या तुझे छू ना सकेगा, तुझे किसी तरह का परेशानी में डाल नहीं सकेगा। तो प्रभु परमेश्वर ने बोला है कि मैं आरोग्यकारी परमेश्वर हूँ, तुझे जितने भी ये संसार की महामारी या परेशानी आए वो सभी से मैं तुम्हें उद्धार करूँगा। और ये वचन परमेश्वर ने एक वादा के साथ मनुष्य जाति को बोला है, मनुष्य जाति के पास लाया है और ये वचन आज पूरी संसार में कार्य कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि गिनती की पुस्तक 15:26 में अगर देखें, गिनती की पुस्तक 23:19 में अगर देखें तो वहाँ प्रभु ने वादा किया है कि मैं वादा करके कभी मुकर नहीं सकता और मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। और वो वादा वो करके आज हम लोगों को दी है और वो वादा पूरा करने के कारण आज पूरी संसार उस महामारी से, उस संकटों से, वो बड़े बड़े आंधी और तूफानों से बच कर और आज आगे के दिन देखने के लिए मिल रही है। तो इस मैसेज, इस वचन के द्वारा प्रभु यही कहना चाहते हैं, भले आंधी और तूफान और संकट और समस्या मनुष्य जाति के ऊपर आए, लेकिन मेरा एक करुणा है, मेरा एक अनुग्रह है कि उस अनुग्रह के द्वारा, उस करुणा के द्वारा मैं मनुष्य जाति को उद्धार के मार्ग में ले सकता हूँ। और वही परमेश्वर आज पूरे मनुष्य जाति को उद्धार दे रहा है, वही परमेश्वर आज मनुष्य जाति को संभाल रहा है, वही परमेश्वर आज मनुष्य जाति को अपना हाथों से नियंत्रण कर रहा है। अगर हम उसको आज्ञा को, उसको विधियों को अगर मान के चलेंगे तो इस संसार की कोई भी ताकत हमें किसी तरह का परेशानी, किसी तरह का संकट, किसी तरह का दुर्घटना हमें नष्ट कर नहीं पाएगा। तो ये वचन आप हम सबको एक अनुप्रेरणा देता है, एक सामर्थ्य देता है, एक ऊर्जा लाता है कि हमें प्रभु का करुणा ने हमें संभाल रहे हैं। तो इस वचन के द्वारा सब लोग उत्साहित हो और इस वचन में चलने के लिए, इस वचन में गमन करने के लिए, इस वचन में अपने आप को रखने के लिए एक प्यासा बने, एक कोशिश रखे ताकि इस वचन के द्वारा हम आने वाले ज़िंदगी में अपने जीवन को उद्धार को मार्ग में हम ले सकें। इसी वचन के साथ आज हम
इस वीडियो को आप लोगों के बीच में लाए हैं। ये वीडियो को आप लोग देख करके उत्साहित होकर इस वीडियो के द्वारा आप लोगों के मन में, आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, ये आशा और उम्मीद रखते हुए धन्यवाद के साथ इस मैसेज को हम इतने में ख़त्म करते हैं।